ये आपका जो क्वेश्चन है पता है क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक पोल है ये इलेक्ट्रिक पोल दिख रहा है आपको है ना। इस इलेक्ट्रिक पोल की हाइट 5 मीटर है, ये 5 मीटर, इससे 1.3 मीटर, ये क्या है 1.3 मीटर की लेंथ बिलो टॉप ऑफ अच्छा दिस हाइट से है ना, टॉप ऑफ दिस टावर से, पोल से जो बिलो, इलेक्ट्रिक पोल है, बिलो यहाँ तक पहुँचना है इसको है ना। इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन पोल ऑफ हाइट 5 मीटर, शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। है। अच्छा समझ आ गया, मतलब ये पोल है पूरा, हाँ वे यहाँ तक जा रहा है पर उसको यहाँ पे जाना वॉल्व को रिपेयर करने के लिए। हाँ वट शुड बी द लेंथ ऑफ लेडर, सो लेडर दैट शी शुड यूज विच वेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल वुड एनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजिशन। मीन्स अब ये लेडर लगाएगी जो इलेक्ट्रीशियन है, यहाँ से यहाँ पर हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री का एंगल बना करके लेडर लगाएगी, क्योंकि उसकी खुद की हाइट है 1.3 मीटर है ना, उसकी खुद की हाइट है 1.3 मीटर। तो 1.3 मीटर पे यहाँ पे जब वो खड़ी हो जाएगी तो उसके हाथ आ जाएंगे यहाँ तक ऊपर आ तो सकते आ जाएंगे। आ जाएंगे ना, तो उसको वो लेडर यहाँ से ऊपर बिल्कुल पॉइंट तक क्यों लगाएगी है ना। आराम से खड़े होकर के इलेक्ट्रीशियन अपने जो भी उनको करना होता है रिपेयर वो कर सकते हैं ना, तो इतनी ही हाइट उनको लेनी है कि जितने आराम से वो स्टैंड कर सकें। नहीं समझे? समझ आ हाँ, गया। 1.3 मीटर एग्जैक्ट, ठीक है एग्जैक्टली उनकी उसकी भी हाइट नहीं है ये, वन पॉइंट हो सकता है थोड़ी कम हो, क्योंकि उसको वो ऐसे ऊपर हाथ करके थोड़ी ना रिपेयर करेगी, या बिल्कुल नीचे घुटनों पे आके हाथों को थोड़ी रिपेयर करेगी, बराबर अपने गले के पास में रिपेयर देखेगी, अपना हाइट देखेगा वो इलेक्ट्रीशियन। अच्छा फिर अब क्या कह रहे हैं, हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड शी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, ये डिस्टेंस निकालनी है। अब ये समझ नहीं आएगी आपको, अब क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसमें ये हाइट कितनी हो गई, 5 से 1.3 माइनस कर देंगे ना, ये आ गई थी मेरी पीछे इस पॉइंट को मान लो ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो आप देखो जरा ए सी की हाइट कितनी है 5 मीटर, बी सी की हाइट कितनी है 1.3 मीटर, तो ए बी की हाइट कितनी हो गई, 3.7 मीटर, हाँ तो ये कितनी हो गई पक्का 3.7 मीटर। थ्री हाँ पॉइंट मैंने सेवन कर सात आठ नौ लिया। 10 1 3 4 एक 5 3.7 मीटर। तो बस तो ये है, ये एंगल गिवन है आपको, ये हाइट निकाल दो आप। कैसे निकालोगे, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ पे कॉट है, है, कॉट है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, ये मान लो कोई पॉइंट डी है यानी कि ए डी, ए डी निकालना है आपको, ये √3 है ना, ये है 5 माइनस 1.3 यानी कि 3.7, तो 3.7 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए डी, ये लेंथ आ रही है ए डी, ये तो होगा आंसर 3.7 अपॉन √3, तो एनसीईआरटी में गिवन है अप्रोक्सीमेटली 2.14 मीटर, 2.14 मीटर इस पोल से इतनी दूरी पर वो लेडर को लगाएगा ना जब इलेक्ट्रीशियन, हाँ तो यहाँ तक पहुँचेगा वो लेडर का टॉप और इजीली उसको रिपेयर कर सकता है। आई बात समझ? सही, √3 और इनका समझाना थोड़ा मतलब कैसे कैसा है। सर यहाँ पे 4 दे रखा, अच्छा वो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई भी तो हो रहा है ऊपर, ये जब भी आएगा 4.28। हाँ हमें तो ये निकालना है ना, हाँ निकल गया। वट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, इन्होंने ये भी पूछा है कि लेंथ लेडर की कितनी है, लेडर की ये वाली हमने जो लेंथ निकाली है, इसमें एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट पूछ रखे हैं, दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, एक क्वेश्चन तो ये पूछ रखा है कि ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है ना, इन्होंने एनसीईआरटी में डी और सी दे रखा है ना, अब ये बी और सी लेडर की पूछ रहे हैं, एक तो इन्होंने ये पूछा था ये वाली लेंथ, एक इन्होंने ये लेडर की लेंथ भी पूछी है, बी डी कितना होगा बता दो आप, इसमें क्या लगाओगे? इसमें साइन 60 जो इसके उसके sin 60 लगाओगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज निकालना यानी कि बी डी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 3.7, साइन 60 यानी कि √3 अपॉन टू, टू ऊपर चला गया है ना,
ये सोल्व करके आएगा, ये सोल्व करके कितना आएगा देखो, खुद देखो जरा, जब 3.7 अपॉन रूट 3 2.14 आ रहा था, तो इसको आप पुट कर दोगे यहाँ पे, 2.14 इंटू 2 कितना हो गया 4 × 2.8 meters है ना। अब आप क्यों कहो कि इसको कैसे सोल्व करना है ये बताएं, तो देखो जरा 3.7 अपॉन रूट 3 ऊपर रूट 3 अपॉन नीचे रूट 3 ये 3 हो गया, 3 से ऊपर को डिवाइड करेंगे तो मतलब यहाँ से आ गया ना 3.7 अपॉन 3 इंटू रूट 3, तो इसको डिवाइड करके लिखोगे और इसको 1.73 करके लिखोगे, इसको डिवाइड करके लिखोगे 3 × 3 है ना, फिर 7 उतरेगा नीचे, 3 × 2 = 6 है ना, 1 और 0 बचेगा, 3 × 3 = 9 फिर 1 और 0 बचता ही चला जाएगा, तो 1.23 इंटू 1.73 की मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर, कर सकते हो मल्टीप्लाई, तो करो आंसर यही आना है 2.14।